हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि लास्ट ईयर पेपर्स में जेईई के मेन एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चंस को हम 5 मिनट, 5 क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व करके हम 20 मार्क्स कैसे अर्न कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं, व्हेन द स्विच एस, यहां एक स्विच लगी है एस, व्हेन द स्विच एस इन द सर्किट शोन इज क्लोज्ड देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी, और आई करंट यहां पर इस ब्रांच में फ्लो हो रही है, तो ये पता करना है, और चार ऑप्शंस हैं आपके पास, तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, सो इस सर्किट को ध्यान से देखिए, और आपसे ये कहा जा रहा है कि जब ये स्विच एस को आपको क्लोज किया जाए, अगर इस स्विच एस को हम क्लोज करते हैं, ओके, तो उस स्थिति में आई करंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि सी नोड पर, ये जो सी नोड है यहाँ पर, इस पर एक करंट ए टू सी आई वन आ रहा है और दूसरा करंट बी टू सी आई टू आ रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली आई विल बी द सम ऑफ दीज टू करंट्स, दैट इज आई वन एंड आई टू। सो आई जो होगा वो आई वन प्लस आई टू का सम होगा। ओके, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि द अल्जेब्राइक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज इक्वल टू जीरो होता है किरचॉफ्स करंट लॉ से। ओके, सो उस हिसाब से अगर देखें तो आई यहां पर बाहर आता हुआ दिख रहा है और आई वन और आई टू इनकमिंग है, एंड आई आई इज आउट गोइंग, सो आई विल बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ओके, अब लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द पोटेंशियल एट सी, सी पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो वी है, सी पॉइंट पर जो वोल्टेज है वो वी है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं, दिस आई हैव एज्यूम्ड। ओके, सो अब डायरेक्टली हम लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, और सी पॉइंट का पोटेंशियल हमने एज्यूम किया वी, और आई वन इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच ए सी फ्रॉम ए टू सी। ओके, तो अगर हम यहाँ पर आई वन इक्वल टू लिखें तो आई वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आई वन इक्वल टू कितना होगा, ए ब्रांच का पोटेंशियल, ए नोड का पोटेंशियल कितना है 20, सो 20 एंड माइनस भी एंड अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। ये हम कैसे लिख पा रहे हैं, आप सभी को पता है कि भी इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है, सो आई इक्वल्स टू वी कैन राइट भी अपॉन आर। तो ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस भी, सो वी इज 20 माइनस भी, और ए सी ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है 2, सो 20 माइनस भी अपॉन 2। ओके, प्लस आई टू, आई टू क्या होगा, आई टू इज द करंट फ्लोइंग इन द ब्रांच बी सी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू सी, और बी ब्रांच का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। ओके, सो फॉर आई टू वी कैन राइट 10 माइनस, एंड सी का पोटेंशियल है वी, सो 10 माइनस वी अपॉन, और यहां पर बी सी ब्रांच में 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, सो अपॉन 4। ओके, और आई आई अगर बात करें तो स्विच एस को जब हम क्लोज कर दिए तो ये क्या हो गया, ये वी इक्वल टू जीरो पोटेंशियल से कनेक्ट हो गया। ओके, सो सी ब्रांच का पोटेंशियल कितना है, सी नोड का पोटेंशियल वी है, और यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, सो यहां पर आई करंट इक्वल टू कितना हुआ, वी माइनस यहां जीरो, सो वी माइनस जीरो अपॉन 2, सो वी कैन राइट हियर वी अपॉन 2। नाउ इट इज सिंपल, अब इसको सीधे सॉल्व करते हैं, और सिंपली ये आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो इसको सॉल्व करें तो एक तरफ इसको कर लेते हैं वी अपॉन 2 प्लस वी अपॉन 2, और इस तरफ भी कर ले प्लस वी अपॉन 4, और यहाँ इक्वल टू लिख सकते हैं 20 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 4। ओके, सो इस तरह से इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस
वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर, और इसको इजीली सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये 2.5, सो इट इज़ 12.5। नाउ यहाँ पर इसको सॉल्व करें, 1/2 प्लस 1/2 वन, और प्लस 1/4 1.25, सो 1.25 भी इक्वल्स टू 12.5, सो भी इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज 12.5 डिवाइडेड बाई 1.25 एंड इट इज 10। सो ये सी पॉइंट का पोटेंशियल भी हमें अब मालूम चल चुका है, दैट इज 10 वोल्ट। सो आप इसको देखिए, यहाँ आई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, आई इक्वल टू क्या लिखा था, वी बाई टू, सो आई इक्वल्स टू हमारा था वी बाई टू, एंड वी हैव कैलकुलेटेड एंड दैट इज 10, सो 10 अपॉन टू इक्वल्स टू 5 एम्प्स, तो आई इक्वल टू 5 एम्पियर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जेईई मेन 9th जनवरी 2019 को पूछा जा चुका है, एंड आप जैसा कि देख रहे हैं, इन द गिवन सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल इफ R1 इक्वल्स टू 400 ओम, R3 इक्वल टू 100 ओम एंड R4 इक्वल टू 500 ओम, एंड द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर अक्रॉस R4 इज 5 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ R2 विल बी, और चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, और ये सर्किट आप देख सकते हैं। ओके, तो इसको भी बहुत सिंपली हल करने का प्रयास करते हैं। इसको आपको सर्किट देख के लग रहा होगा कि इसमें KVL या KCL ऐसा कुछ लगाए, बट ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर जो इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 18 वोल्ट दिया हुआ है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो उसके बारे में वरीड होने की जरूरत नहीं है। सभी रेजिस्टेंसेज की वैल्यू भी आपको दी हुई है, और R2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि यहां पर R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू 400 ओम है, ठीक है, R3 की वैल्यू 100 ओम है, R4 की वैल्यू 500 ओम है, ठीक है। तो यहां अगर हम देखें तो R4 के अक्रॉस 5 वोल्ट है, R4 के अक्रॉस 5 वोल्ट्स दिया हुआ है। ओके, यहाँ R4 के अक्रॉस 5 वोल्ट्स यहाँ पर दिया हुआ है, हेयर इट इज 5 वोल्ट्स, ठीक है। तो R4 के अक्रॉस अगर 5 वोल्ट दिया है और R4 की वैल्यू 500 ओम है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू R4 कितना होगा। तो उससे पहले एक काम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, लेट से वो आई करंट फ्लो हो रही है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से वो डिवाइड होती है दो ब्रांचों में, तो यहाँ पर जो करंट है वो I1 है, और यहाँ पर जो करंट इससे फ्लो हो रहा है R2 ब्रांच से, वो है I2। ओके, सो वी नो दैट द करंट फ्लोइंग इन सीरीज इज इक्वल, सीरीज में जो करंट फ्लो होगा रेजिस्टेंसेज को इक्वल होगा, यानी R3 से भी I1 फ्लो करेगा एंड R4 से भी I1 ही फ्लो करेगा। ओके, सो R4 के लिए अगर आप देखें तो वोल्टेज अक्रॉस R4 एंड दैट इज गिवन, वो कितना दिया हुआ है, R4 के अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट्स दिया हुआ है। ओके, सो वी कैन राइट 5 वोल्ट्स। नाउ वी नो दैट V इक्वल्स टू IR। ओके, सो I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, तो यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें IR4, मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू R4 कितना होगा, 5 वोल्ट्स अपॉन R4 का रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम। तो ये कितना हो गया, इट इज 0.01 एम्पियर। ये यहाँ से जो I1 करंट फ्लो हो रही है ये उसी की वैल्यू है। ओके, तो यहाँ से हमें करंट पता चल गया, तो I1 इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि I1 इक्वल्स टू 0.01 एम्पियर हो गया। एग्जामिनेशन में आप जब ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको इतना समय नहीं लगना है, चूँकि अभी मुझे समझाना है इसलिए इतना समय देना पड़ रहा है, अदरवाइज आई कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस इन द सर्किट इटसेल्फ। ओके, यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से इतना करंट फ्लो हुआ तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ये 0.01 हुआ,
अब R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R3 की वैल्यू 100 ओम है, करंट आपको पता चल गया, तो ड्रॉप कितना होगा यहाँ पर जो R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी V R3 कितना होगा, I1 करंट, क्योंकि सेम ब्रांच का करंट है, I1 करंट और इनटू I1 करंट और इनटू R3 रेजिस्टेंस। ओके सो इट इज I1 इज 0.01 और मल्टीप्लाई बाय R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, R3 की वैल्यू है 100, तो यहां पर कितना हो गया ये 1 वोल्ट का ड्रॉप हुआ R3 के अक्रॉस। ओके तो आप बताइए R3 के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 1 वोल्ट है ना, R4 के अक्रॉस ऑलरेडी 5 वोल्ट दिया था, तो इस दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो गया, इन दोनों के अक्रॉस R3 और R4 के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो गया ड्रॉप, टोटल 5 + 1 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। अब बताइए 18 वोल्ट का टोटल है जिसमें से 6 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, और पैरेलल में आपको मालूम है पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो सेम होते हैं, तो R2 के अक्रॉस भी कितना होगा, R2 के अक्रॉस भी 6 वोल्ट्स का ही ड्रॉप होगा, यहाँ पर भी R2 के अक्रॉस 6 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो चलिए ये 6 हो गया, तो 18 में से 6 गया, ये कितना हुआ, इसका मतलब R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है दैट इज 18 - 6 और वो हो गया 12 वोल्ट। ओके तो R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कितना हो गया, वो हो गया 12 वोल्ट, R1 के अक्रॉस का ड्रॉप 12 वोल्ट। ओके अब R1 के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, I, ठीक है, और ड्रॉप हमें पता चल चुका है ना, तो यहां से I की वैल्यू क्या होगी, I will be इक्वल टू हाउ मच, I इक्वल टू V अपॉन R, और वोल्टेज कितना है R1 के अक्रॉस 12, और R1 का रेजिस्टेंस कितना है 400। ओके तो ये कितना हो गया, ये आ गया 0.03 एम्पियर। ओके नाउ यू सी I1 यहां से एंटर कर रहा था, उसमें से I1 और I2 दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो अगर हमें I पता है, I1 पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड I2, बिकॉज वी नो दैट I इक्वल्स टू I1 + I2। सो यहां से हमें I2 की वैल्यू पता करनी है, तो I2 विल बी इक्वल टू I - I1, एंड I कितना है 0.03, और I1 कितना है, I1 इज 0.01। ओके सो इट इज 0.02 एम्पियर। सो यहां से R2 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है I2, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई 0.02 एम्पियर, ये पता चल गया, और जब हमें ये पता चल गया, ओके सो नाउ वी कैन इजीली डिटरमाइन कि R2 की वैल्यू कितनी है, सो वी कैन राइट R2 इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R2 और अपॉन करंट I2, एंड इट इज वोल्टेज अक्रॉस R2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये 6 वोल्ट्स है, और करंट जो है वो आ गया 0.02। सो द आंसर ऑफ R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 300 ओम्स। ओके एंड 300 ओम्स हमारा आंसर है, एंड द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 10 जनवरी 2019 को आया था, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम करेंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इन द गिवन सर्किट द सेल्स हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, द करेंट्स पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर। ओके सो R1 और R2 से क्या करंट फ्लो कर रहा है वो हमें निकालना है। ओके सो इसको बहुत इजीली हमको सॉल्व करना है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बस आपको थोड़ा सा क्या है, सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सर्किट है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है इससे, हो तो इस सर्किट को हम थोड़ा सा रीड्रॉ करके और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो सर्किट को अगर रीड्रॉ करें तो देखिए आप ये माइनस प्लस ये 10 वोल्ट्स का जो सेल है यहाँ पर, ओके तो इस सेल को हम इस ब्रांच में इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगर इसको रीड्रॉ करें तो देखिए इसको कैसे रीड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम
ये आर टू है, और आप देखिए आर टू के साथ ही सीरीज में ये है, तो कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के ओरिएंटेशन में हमें समझने में दिक्कत होती है, तो आप इसको सीधी सीधी लाइन में यहाँ पर लिख दें, ठीक है। ये सेल जो है ये इसके साथ जिस पोलैरिटी में था क्वेश्चन में उसी पोलैरिटी में हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, और ये इस तरह से कनेक्ट हो गया, ठीक है, ओके। नाउ वी कैन नेम इट, नोड्स के नाम रख देते हैं हम जिससे कि आसानी हो, ओके। तो लेट से कि इसका नेमिंग कर दे, लेट से ये ए है, दिस इज बी, दिस वन इज सी, एंड लेट से दिस पॉइंट इज डी, ई एंड एफ, ओके। नाउ यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 10 वोल्ट था, ये रेजिस्टेंस कितना था आर वन, और इसकी वैल्यू है 20 ओम्स। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर टू, और इसकी वैल्यू है 20 ओम्स, और यहाँ जो सेल है ऑब्वियसली वी कैन राइट इट साइन ऑल्सो, सो माइनस प्लस 10 वोल्ट, और यहाँ भी ये माइनस प्लस 10 वोल्ट, ओके। अब ये देखिए, अब इस सर्किट कितना सिंपल लग रहा है। अब ये हमारे पास तीन ब्रांच है, ए डी बी ई और सी एफ, और तीनों ब्रांच पैरेलल हैं, और इनके बीच में देखिए सिर्फ सिंपल एक वायर है, ओके। तो वायर में क्या होता है, पोटेंशियल का चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ए डी बी ई और सी एफ तीनों ब्रांच पैरेलल हैं, और आपको पता है कि पैरेलल ब्रांचेज में जो वोल्टेज है वो क्या होता है, सेम होता है। सो वी कैन राइट वेरी इजीली, ये हम लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस ए डी, ए डी ब्रांच का वोल्टेज हो, या वोल्टेज अक्रॉस ब्रांच बी ई, बी ई ब्रांच का वोल्टेज हो, या फिर वोल्टेज अक्रॉस सी एफ, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, ये तीनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप देखिए ए डी ब्रांच का अगर वोल्टेज की बात करें तो कितना है, 10 वोल्ट्स है, ओके। सो वी कैन राइट प्लस 10, ओके, क्योंकि कई बार हम ये पोलैरिटी यूज करते हैं कि ए से डी जाना है, तो आप देखिए ए से डी अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव साइन और फिर पॉजिटिव साइन, सो राइज ऑफ पोटेंशियल, हियर इट इज राइज ऑफ पोटेंशियल, मतलब कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, तो वी विल टेक प्लस साइन, और अगर प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फॉल ऑफ पोटेंशियल, तो माइनस यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी हम क्या करते हैं, जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालते हैं तो इट इज अ ड्रॉप, एक्चुअली रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होता है, तो और ड्रॉप वी यूज माइनस साइन, इट्स द कन्वेंशन, ओके। सो यहां अगर बी की बात करें तो बी में क्या है, बी ई ब्रांच में 20 ओम का रजिस्टर है, ओके, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर माइनस 20, और लेट से इस ब्रांच से जो करंट है वो हमने अगर ऐसा एज्यूम किया आई वन, तो वो माइनस 20 आई वन होगा, क्योंकि माइनस 20 क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू मैंने बताया ड्रॉप होता है, तो इसलिए ये कन्वेंशन फॉलो करते हैं, माइनस 20 आई वन, ओके। तो यहां से आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से आई वन इक्वल टू हो गया माइनस 0.5 एम्प्स। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि जो हमने करंट एज्यूम किया था एक्चुअल करंट का डायरेक्शन जो है वो उससे अपोजिट है, ठीक है, एक्चुअल करंट का डायरेक्शन जो है वो क्या है, उससे अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन है, और आई वन करंट की वैल्यू हो गई 0.5 एम्पियर, ओके। तो पहला हमें आंसर मिल चुका है कि द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वन इज 0.5 एम्पियर, ओके। सो वी कैन टिक कि हाँ ये सी ही ऑप्शन करेक्ट है, यहीं से पता चल गया कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है, बट सेकेंड की वैल्यू जो है वो हम कंफर्म कर लेते हैं एक बार, इस ऑप्शन की वैल्यू हम कंफर्म कर लेते हैं कि आर टू के अक्रॉस जो करंट है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो आर टू के अक्रॉस अगर हम करंट एज्यूम करें तो आप देखिए यहां पर जो पोटेंशियल है, यहां पर जो पोटेंशियल है सी एफ की बात करें तो यहां पर कितना है, ये देखिए माइनस 20 वोल्टेज अक्रॉस सी एफ की अगर हम बात करें, ओके, तो यहां पर कितना है माइनस 20, और यहां पर हम करंट एज्यूम कर लेते हैं लेट से आई टू, सो इट इज माइनस 20 आई टू, एंड देन आप देखिए राइज ऑफ पोटेंशियल हो रहा है माइनस प्लस, तो प्लस 10 वोल्ट्स, ओके, और वी सी एफ है कितना,
सी और एफ, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वी सी एफ के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो कितना है, 10 वोल्ट्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आई टू इक्वल टू इट विल बी 0। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट द करेंट फ्लोइंग थ्रू आर वन इज 0.5 एम्प्स एंड करेंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर टू इज 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ इस सर्किट को देखिए, ये जेईई मेन 11 जनवरी 2019 को पूछा हुआ है, और हर जेईई में आपको कोई भी जेईई का एग्जाम आप देख लें, हर सेशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी से केसीएल या केवीएल पर इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, सो आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चंस से आपके सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे एंड इट वुड बी हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो इन द सर्किट शोन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ओके, और चार ऑप्शंस आपके पास हैं। यहां आप देख पा रहे हैं एक सर्किट है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्ञात करना है। ओके, तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, मतलब बेसिकली हमें सी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें ज्ञात करना है ना, और उसके लिए उसको अगर आपको डिटरमाइन करना है, ओके, तो उसके लिए सिंपली बहुत सिंपल सा रिलेशन है जिस रिलेशन से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सो हियर वी ए बी इक्वल टू एक्चुअली वी डी सी, ओके, सो वी डी सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही ए बी के अक्रॉस होगा, और उसको डिटरमाइन करना है। तो अगर हमारे पास एक सर्किट है, ओके, और लेट से वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेज आर वन आर टू और आर थ्री, और हमें इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर डिटरमाइन करना है, ओके, तो लेट से द पॉइंट्स आर ए बी, तो यहाँ पर वी ए बी इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, और ये अगर ई वन ई टू और ये ई थ्री है, ओके, तो वी ए बी इक्वल टू सिंपली होता है ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू प्लस ई थ्री अपॉन आर थ्री और अपॉन में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, सो इस रिलेशन का यूज करके हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो वी विल ट्राई टू गेट द आंसर डायरेक्टली एंड हियर इट इज। सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल, आप देखें तो सबसे ऊपर वाली ब्रांच में देखिए, यहाँ पर 1 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और 1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये E1 हो गया, तो कितना लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस सेकेंड ब्रांच में देखिए 2 वोल्ट्स, तो E2 हो गया 2, तो कितना होगा 2 अपॉन, और इसके साथ भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तीसरा है 3 वोल्ट्स 3 अपॉन और ये रजिस्टर 1, और फिर 1 अपॉन और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, सो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1, सो द आंसर विल बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3 एंड इट इज 2 वोल्ट्स। ओके, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन 8 अप्रैल 2019 के पेपर में पूछा गया था। इन द सर्किट शोन विथ आर वन इक्वल टू 1 ओम, आर टू इक्वल टू 2 ओम, ई वन इक्वल्स टू 2 वोल्ट, ई टू इक्वल टू ई थ्री इक्वल टू 4 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, ओके, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए, इसको थोड़ा कंफ्यूजिंग वे में पूछा गया है, बट अगर इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, है ना, तो आप देखिए ये आर वन और आर टू ये दोनों सेम ब्रांच में हैं, इधर देखिए ये आर वन और आर वन
इधर भी आर वन और आर वन दोनों आर वन ई वन के साथ सीरीज में है, और इस तरफ भी देखिए ये दो आर वन ई थ्री के साथ सीरीज में है। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हैं कि लेट थ्री। ओके, नाउ वी विल हैव टू रीड्रॉ द सर्किट, इसको सर्किट को हम फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं ताकि इजीली आपको समझ में आए जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। अब देखिए आर वन और ये आर वन नीचे और ई वन ये तीनों सीरीज में है। ओके, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर इक्वेलेंट लिखें तो टू आर वन हो जाएगा और इसके साथ में ये यहाँ पर ई वन। ओके, सो इट इज टू आर वन और ये ई वन। ओके, उसके बाद ये जो सेकेंड ब्रांच है इसमें देखिए ये क्या है, यहाँ पर आर टू है और ये ई टू, सो ये हमने कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर भी दो आर वन है तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया, सो यहाँ पर भी आर वन प्लस आर वन सीरीज में टू आर वन हो जाएगा और इसको जो पोटेंशियल है वो ई थ्री है यहाँ पर इसके साथ सीरीज में। तो इस तरह से ये देखिए ये सर्किट भी काफ़ी सिंपल हो गया और बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले सर्किट की तरह ही हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लेट से हमने यहाँ पर हमारा ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है। ओके, सो ए के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो ए है वी ए, और बी पर अगर हम जीरो भी एज्यूम कर लें यहाँ पर बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल, तो यहाँ पर हमें वी ए फाइंड करना है, ए बी के मतलब वी ए हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम सिंपली यहाँ पर लिखना चाहें तो जैसे लिखा था वी ए बी इक्वल्स टू, तो क्या लिख सकते हैं, ई वन अपॉन इस ब्रांच में देखिए कितना है टू आर वन प्लस ई टू अपॉन और इसके साथ सीरीज में आर टू है सो आर टू और प्लस ई थ्री अपॉन टू आर वन और अपॉन में फिर रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंसेज दैट इज वन अपॉन टू आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन टू आर वन। ओके, तो वैल्यूज हमें हमारे पास है ई वन की वैल्यू, ई टू की वैल्यू, ई थ्री की वैल्यू और आर वन आर टू की वैल्यू हमारे पास है, तो उसको अगर हम पुट कर दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा टू अपॉन टू आर वन, आर वन की वैल्यू वन सो टू इंटू वन टू प्लस फोर अपॉन टू और प्लस फोर अपॉन टू एंड अपॉन में वन अपॉन टू आर वन सो वन अपॉन टू प्लस आर टू की वैल्यू ऑलरेडी टू है सो वन अपॉन टू और यहाँ पर भी फिर वन अपॉन टू क्योंकि टू इंटू आर वन और आर वन की वैल्यू वन है सो वन अपॉन टू। नाउ इफ यू सॉल्व इट इट इज फाइव अपॉन वन पॉइंट फाइव एंड इट्स कमिंग 3.3 वोल्ट, सो हेयर ऑप्शन फोर इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आप सभी को करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जेई क्वेश्चंस का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा एंड आई होप कि इस तरह के क्वेश्चंस आप और सॉल्व कर पाएंगे। सो इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो जेई के टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो हैं वो फिर लेकर आएंगे और ये सिलसिला हमारा इस जेई 2020 जुलाई में जो आपके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं ये तब तक चलता रहेगा। सो वी वुड ट्राई कि आप सभी 5 क्वेश्चंस 5 मिनट्स में सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन एंड देन यू कैन क्रैक द जेई। सो थैंक यू ऑल एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। थैंक यू।